हे गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा मैं लेट नाइट बना रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी एक न्यूज़ देखी है। मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था कुछ चीज़ें, तो मेरे को एक न्यूज़ सामने आई मेरे पास जूम ऐप से रिलेटेड। और जूम ऐप के मैंने दो वीडियो बनाए हैं, जो मैंने जिसमें मैंने बताया है कि आप फ़ोन में कैसे चला सकते हैं जूम ऐप को, और कैसे उसको लैपटॉप में चला सकते हैं, क्योंकि अभी गूगल ने तो जूम ऐप से थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लिया है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। इसी चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी आज इस बारे में बोला है कि आप जूम ऐप का इस्तेमाल ना करें। अब उसका रीज़न है कि लॉकडाउन के टाइम पे सभी के सभी लोग, जो भी या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो घर से अपना काम कर रहे हैं, वो सभी लोग या कंपनियां जो हैं, वो जितनी भी स्कूल्स भी हैं बहुत सारे, अप्रोक्सीमेटली 20 देशों के 90,000 जो स्कूल हैं, वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको घर में जूम ऐप के थ्रू क्लासेस दे रहे हैं। लेकिन जो अभी अभी जो नई चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि इस ऐप को हैक किया जा चुका है, और अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से ज़्यादा अकाउंट जो हैं वो हैक किए गए हैं। और उसकी वजह से अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के लिए बोला है कि आप इस ऐप का इस्तेमाल ना करें, आप इस ऐप को या तो अनइंस्टॉल करें या फिर बहुत ही कम इस्तेमाल करें। अब दिक्कत ये हो रही है कि जूम ऐप के अलावा कोई और तरीका भी नहीं है, क्योंकि जो लोग मीटिंग्स करते हैं या कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस ऐप का इस्तेमाल बहुत ही आसान है। और इसमें बहुत सारा जो क्या कहते हैं, इसके अंदर एक टाइम पे बहुत सारे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 लोग एक साथ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जूम ऐप के अंदर। और इसका एक फ़ायदा ये भी था कि ये लो, अगर इंटरनेट है आपका, अगर स्पीड कम भी है तो भी ये वर्क करता था, और आसानी से अच्छे से वर्क करता था। लेकिन अब सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कि लोगों के पर्सनल डाटा जो है वो हैक हो रहा है, या वीडियो कॉल्स या रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो हैक हो रही हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा बोल दिया है कि इस चीज़ को आप ना इस्तेमाल करें, फिर आप इसको अगर इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से करिए। और जो हमारी कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिंग जो इमरजेंसी टीम है और होम मिनिस्ट्री है, उसने भी इस चीज़ को बोल दिया है कि आप इस ऐप का इस्तेमाल ना करें, या फिर हो सके तो बहुत ही कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है कि जो हैकर्स हैं, जो वो इस ऐप को हैक करते हैं, तो वो लोग आपका अनऑथराइज, मतलब जैसे आप कोई मीटिंग कर रहे हैं या कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो आप अनऑथराइज पर्सन की तरह उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो आपकी वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं या आपका जो डाटा है वो हैक कर रहे हैं। अभी तक 5 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स तो हैक हो चुके हैं, और अगर मैं आपको बताऊं तो यकीन भी नहीं करेंगे आप, इस न्यूज़ के अकॉर्डिंगली तो ये है कि जो डाटा है, पर्सनल डाटा जिसका भी लीक हुआ है, जो हैकर्स ने हैक किया है, वो उसको वेब मार्केट में, डार्क वेब मार्केट के अंदर उस डाटा को 15 पैसे के हिसाब से सेल कर रहे हैं। यानी कि आपकी और मेरी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, या मेरी कॉल्स हैं, या मेरा वीडियो चैट है, या कुछ भी है, वो सिर्फ 15 पैसे के हिसाब से उस चीज़ को सेल कर रहे हैं। तो आपके और मेरे डाटा की इम्पोर्टेंस उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हो सकती है वो चीज़। तो जितना हो सके इस ऐप का इस्तेमाल कम से कम करिए, और अगर आपको करना ही है तो इसका अपडेटेड वर्जन आप रखिए इस ऐप का। साथ ही साथ अपने जो पीसी है या लैपटॉप है या फ़ोन है, उसके अंदर एक एंटीवायरस ज़रूर डालिए, क्योंकि जो हैकर्स हैं वो आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर या फिर आपके फ़ोन के अंदर इस ऐप को हैक करने के बाद आपके फ़ोन में, पीसी में, लैपटॉप में, कहीं पर भी वायरस छोड़ सकते हैं, जो आपकी ऑटोमेटिकली जानकारी आगे तक, यानी कि अगर आप ऐप को अनइंस्टॉल भी कर देंगे तो भी उसके बाद भी वो जानकारी हैकर्स तक अपने आप जाती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बढ़िया सा, या तो कोई एंटीवायरस आप डालिए इसके लिए साथ में, या फिर आप इसका बिल्कुल कम इस्तेमाल करिए, जितना हो सके इसको अनइंस्टॉल ही कर दीजिए इस ऐप को। क्योंकि मैंने बताया था कि आपको कैसे यूज़ करना है, लेकिन मैं ही आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको अनइंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप चाहें तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसी कोई इशू नहीं आ रहा है, तो क्योंकि अलर्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर गवर्नमेंट कह रही है तो उसको मानना भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट हो के आप इसको इस्तेमाल करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि आपके पीसी में कोई हलचल हो रही है, कोई भी डाटा आपका मिसिंग हो रहा है, या कोई भी अननोन फाइल आपके पीसी में या फ़ोन के अंदर बन गई है, तो थोड़ा सा एंटीवायरस का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, और तुरंत से इस ऐप को या तो अपडेट कर लीजिएगा या अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आपके लिए अगर ये इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। कम से कम मैं इसमें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करिएगा। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और यही चीज़ें ज़रूर करिएगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। सबसे पहले आप कर सकते हैं कि हर मीटिंग के लिए एक नया यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट कर सकते हैं।
साथ में वेटिंग रूम इनेबल कर सकते हैं ताकि मीटिंग के दौरान कोई भी यूज़र की एंट्री ना कर सके जब तक होस्ट परमिशन ना दे। तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि होस्ट से पहले ज्वाइन करने की परमिशन देने वाले फीचर को डिसेबल कर दीजिए आप। दूसरा है, स्क्रीन शेयर की अनुमति सिर्फ होस्ट देगा, कोई और बीच में नहीं दे पाएगा। फोर्थ चीज़ आप कर सकते हैं कि जो रिमूव किया गया पार्टिसिपेंट है उसको दोबारा शामिल करने के लिए अनुमति दें, ना कि उसको पहले मतलब ऑटोमेटिकली उसको ऑथराइजेशन नहीं देना कि वो जब चाहे उस चीज़ को ज्वाइन कर सके। उसको हमेशा जब भी वो दोबारा से ज्वाइन करना चाहे उसको परमिशन देनी पड़े होस्ट के थ्रू। फिफ्थ चीज़ आप कर सकते हैं कि फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन जो भी है वो डिसेबल कर दें, आप मेल के थ्रू भेजिए जो भी कुछ आपको भेजना है तो। और सिक्स चीज़ आप कर सकते हैं कि एक बार अगर कोई यूज़र ज्वाइन करने के बाद मीटिंग को लॉक कर दो, उसके बाद उसके अंदर कोई ज्वाइन ही ना कर सके दोबारा। एक टाइम पीरियड तक ही रखिए, उसके बाद ज्वाइनिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग फीचर हमेशा डिसेबल कर दीजिए, किसी भी मीटिंग को रिकॉर्ड बिल्कुल भी ना करें। और जो एक चीज़ लास्ट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए कि आप अगर एडमिन हैं किसी भी, अगर आपने कोई भी कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है तो उसको आप बीच में सीधे से ना छोड़ें जब तक सभी न जा चुके हों, उससे पहले उस चीज़ को कट बिल्कुल भी ना करें। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ था ये, क्योंकि मैंने अगर इंस्टॉल करना बताया है या यूज़ करना बताया है तो मेरा ये भी फ़र्ज़ है कि जो गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइन जारी की है तो वही चीज़ भी है मेरे को बताना ज़रूरी था। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। और कोशिश करिएगा आप इसको शेयर कीजिएगा या फिर थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करिएगा जूम ऐप को, और ये लोगों तक भी बताइएगा जो कि यूज़ करते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा अलर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर उनका भी डाटा लीक हो जाता है तो भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा और बने रहिए टेक ब्लॉग मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।